हमारे भारत देश के सबसे बड़े भौगोलिक प्रदेश, शक्ति और भक्ति की धरा राजस्थान हमें सबसे प्रिय है। समर्पण के साथ में समाज सेवा को, शिक्षा के क्षेत्र को अपना क्षेत्र चुना। आसपास के इलाके के अंदर जिस तरह की शुचिता आज की तारीख में हमको देखने को मिलती है, अपने परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा करके और जन सेवा के कार्यों में अपनी मतलब जो है खासी पहचान बनाते हैं कि कर्तव्य परायणता का ये सबसे बड़ा आज की तारीख में एक परिचय है, जिसने समाज में, परिवार में और राष्ट्र के अंदर एक नई अलग जगाने का कार्य प्रारंभ किया। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला ऐतिहासिक, पर्यटन, शिक्षा एवं संस्कृति की दृष्टि से देश प्रदेश में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मैं सर्वप्रथम तो JVP जो मीडिया ग्रुप है इसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इससे ग्रामीण अंचल में जो होनहार विद्यार्थी हैं या और भी जो भी जितने भी जो गुदड़ी के लाल हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। सवाई माधोपुर जिला के बौंली, खिरणी, भाड़ोती एवं मलारना डूंगर क्षेत्र में शिक्षा का एक अद्भुत कार्य है, जहां से अधिकारियों कर्मचारियों की फसल सी उगती है। यहाँ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में समाज वह राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। खिरनी एक बहुत बड़ा कस्बा है, उसमें JVP ग्रुप उनको सम्मानित करेगा और वहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं, विशेषकर ऑल इंडिया सर्विसेज की और मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रतिभाएं को वहाँ बहुत एक फसल सी उगती है और खिलाड़ी भी काफ़ी हैं, सेना में भी लोग बहुत हैं। JVP मीडिया ग्रुप की पहल पर खिरनी के युवा ऑफिसर गिरिराज मीणा ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव और नवाचार का संकल्प लिया और उसी की परिणति के लिए सवाई माधोपुर जिले का पहला और विशिष्ट नवाचारों वाला शिक्षा एवं संस्कृति महोत्सव खिरनी के सरकारी स्कूल में आयोजित हो रहा है। शिक्षा जगत में जो मेरे क्षेत्र में और मेरे गांव में जो ये नवाचार JVP मीडिया ग्रुप के द्वारा हो रहा है, मैंने शिक्षा जगत में जो आधुनिक क्रांति की जो सीख सीखी है वो JVP मीडिया ग्रुप से सीखी है। मेरे गांव में एक ऐसा अनूठी प्रयास की विचारों की कोंद आई, मैंने मेरे इष्ट मित्र गणों से इस चीज़ की सलाह ली, मेरे गाँव का सहयोग लिया और मेरे दोस्तों का मुझे अपार सहयोग भी मिला, गांव का भी मिला, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। खिरनी सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, जहां देश की आजादी के साथ ही राजकीय स्कूल की स्थापना हुई और इसी स्कूल में पढ़ते हुए हजारों विद्यार्थी शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, खेल, कला, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। यहाँ की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने संपूर्ण राजस्थान में मेरिट में टॉप करके खिरनी का नाम रोशन किया है। शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय हमेशा से ही अच्छा रहा है। विगत 3 वर्षों से विद्यालय के परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट श्रेणी में है, 100% है। और अभी पिछली साल ही एक छात्रा तरन्नुम बानो का 10th क्लास में ऑल राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और शिक्षण व्यवस्था को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खिरणी की सांस्कृतिक परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक सद्भाव की अनूठी मिसाल है। खिरणी का राजकीय स्कूल और मस्जिद का मदरसा आमने सामने था और दोनों से ही शिक्षा सेवा के अनूठे संस्कार मिलते रहे हैं। पहले भी यहाँ की शिक्षण व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि मैं भी कभी जब बचपन में था इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। ऑल आर टैलेंट टीचर्स, क्योंकि सेलेक्टेड टीचर हैं, टैलेंट टीचर हैं, पढ़ाई का माहौल अच्छा है, भौतिक सुविधाएं पूरी है। कोशिश करूँगा भविष्य में मतलब और भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आदिशक्ति माँ चामुंडा का दिव्य दरबार है, जहाँ पर नवरात्रों में विशेष सजावट होती है और साल भर हजारों लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में नतमस्तक होते हैं। यहाँ माँ चामुंडा की कृपा है कि संपूर्ण गांव में बड़ा प्रेम और सद्भाव है और एक दूसरे के प्रति समर्पण है। ये बहुत पुरानी पंचायत है, बहुत बड़ी पंचायत है ग्राम पंचायत खिरणी, और ये इसमें सभी सफाई व्यवस्था वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वगैरह सब चलाए हमने और सब पे फोकस डाला है जनता का, और सभी सर्वांगीण विकास कराने की मेरी हार्दिक तमन्ना है। सभी कौम के लोग एक साथ बैठते हैं, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ बैठते हैं। हमने एक मिसाल कायम की है कि पहले ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष हमारे मोहन सिंह जी रजावत थे, अभी सत्यनारायण जी मंगल हैं और सारी व्यवस्था ट्रस्ट करता है, सारी व्यवस्था संभालता है। हमारे यहाँ नवरात्र में भव्य आयोजन होता है, लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह भजन संध्या वगैरह भी हो जाती है और उपासना साधना का भी बहुत बड़ा केंद्र है। ये चामुंडा माँ का दरबार इसकी कृपा है तो 2 महीना सावन और भादव भंडारा चलता है, बस्ती की पूरी अखंड ज्योत रहती है इसके। माँ चामुंडा के मंदिर में जब गांव के पंच बैठकर कोई फैसला लेते हैं तो पंच परमेश्वर की तरह सच्चा फैसला होता है और उसके साथ पूरा गांव लगा रहता है। हमारे पिताजी देखते आए हैं, वैसे हम देखते आ रहे हैं कि भाई 1000 साल पहले का भी 85 साल का होकर हमारे पिताजी शांत हो गए, उसके पहले से ही वो देखते आए हैं। खिरणी में ही चमत्कारिक और सिद्धि फलदायी बालाजी का मंदिर है जो काफी प्राचीन है और उसका नवनिर्माण भी होने जा रहा है। यहीं पर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला गोपाल जी का मंदिर है, जहां पर लोगों की बड़ी श्रद्धा है। सामाजिक समरसता की श्रृंखला में ही बाबा रामदेव जी का शानदार मंदिर है जो मानव सेवा की प्रेरणा देता है। यहाँ सब तरह के बढ़िया शब्दावध रहता है, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा वाली कोई बात नहीं है, भाईचारा से बोलते हैं, भाईचारा से रहते हैं। सरकार ऐसी योजना निकाले जिस सभी किसान को 3 फेज कनेक्शन मिले। माँ पीपलाज का भव्य दरबार भी खिरणी में है, जहां पर
सुबह शाम झालर की टंकार और हिल मिलकर आरती गाते लोग सेवा संस्कारों का अद्भुत संदेश देते हैं। खिरणी से भाड़ोती की तरफ चलने पर उत्तर की ओर वीर तेजाजी का शानदार धाम है, जहां पर सैकड़ों किलोमीटर से जातरू आते हैं। खिरणी की तेजा गायन मंडली सत्यवादी गौरक्षक लोकदेव वीर तेजाजी की गौरव गाथा को गायन वादन एवं नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करती है, तो लगता है हमारी लोक कला और लोक संस्कृति साकार हो रही है। पूरा गांव आस पास का गांव 10-20-30 गांव आओ, बहुत दूर का बहुत दूर तक आओ, और कोई दुखी फोन कर दे सर सौ कोश भाई हो तुम्हारे फायदा हो खूब ऐसे साफ फायदो खूब बहुत दूर का दुनिया आओ से और बढ़िया मेड़ो भर से और बढ़िया काम से थे। खिरणी और आसपास के कस्बे में शिक्षा का अपना एक विशेष महत्व है। अकेले खिरणी में ही 4-5 सरकारी विद्यालय और 18 पब्लिक स्कूल हैं, जहां से निकलने वाले विद्यार्थी समाज और देश के विभिन्न इलाकों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। खिरनी शुरू से ही समृद्धता के क्षेत्र में मिसाल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये जो कस्बा है शुरू से ही मतलब प्रगति पर रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड में चाहे गजेटेड ऑफिसर हो, तो आपको कहीं ना कहीं सब जगह आपको मिलेगा। तो बस शिक्षा के क्षेत्र की वजह से ये कस्बा बहुत आगे बढ़ रहा है। सन 1956-55 की बात की आसपास की बात है, जब मैं पहली क्लास में वहाँ खिरणी में जाकर एडमिशन लिया था, वहाँ सिर्फ मिडिल स्कूल थी। उस वह मिडिल स्कूल भी अपने मस्जिद और स्कूल दोनों आमने सामने थे, उसी में सारे कार्यालय चलते थे। उस समय की धार्मिक आस्था थी, एक तो भैरव जी का स्थान है, ब्रह्मपुरी बालाजी का स्थान है और चामुंडा माता का है और तेजा जी, इनकी ज़्यादा विशेषता थी। खिरणी के खिलाड़ियों ने भी खेल के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। यहाँ के युवाओं का क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में बहुत बड़ा योगदान है और खेलों के इस कारवां को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। खिरणी में पिछले कई सालों से जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी आयोजित हो रही है। खिरणी में मैं वैसे क्रिकेट से बिलोंग करता हूं और क्रिकेट खेल ऐसी भावना है कि खेल से मोहब्बत प्यार बढ़ता है और हम लोग सब आपस में सब साथ रहते हैं, सब खेलते हैं, हमारी टीम में सभी साथ में हम खेलते हैं। लगभग 16,000 की आबादी वाले खिरणी कस्बे में शिक्षा का ही प्रभाव है कि यहाँ के 3,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी पूरे देश प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा का इतिहास यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा है। यह पहले UPS विद्यालय था, उसके बाद में माध्यमिक में कन्वर्ट हुआ और आज यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दो विद्यालय अलग अलग हैं और अन्य काफ़ी विद्यालय हैं और प्राइवेट विद्यालय भी यहाँ पर कुल मिला करके 17-18 विद्यालय यहाँ पर हैं और शिक्षा का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। खिरणी की जागरूक जनता का राजनीति में भी बड़ा वर्चस्व रहा है। सवाई माधोपुर विधायक को जिताने में खिरणी निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ के प्रधान रहे गंगाधर जी मीणा, सरपंच रहे शिवराम जी मीणा, जगदीश जी गुप्ता, मोतीलाल जी गुर्जर, मूल सिंह जी राजावत, मिश्रीलाल जी खींची जैसे लोगों ने विशेष पहचान बनाई है। खिरणी के सरपंच रहे पटेल शिवराम मीणा के पंचायती फैसले और उनके जमाने में
लगा सबसे बड़ा चिकित्सा शिविर आज भी लोगों की जुबान पर है। जब मैंने 1957 में मेरा जन्म हुआ उसके बावजूद यहाँ जगदीश जी प्रसाद जी कट्टा सरपंच हुआ करते थे, उन्होंने भी इस गांव के लिए काफ़ी योगदान दिया। फिर उसके बावजूद दो दफ़ा मेरे पिताजी रहे श्री शिवराम जी, तो इन्होंने गांव के चारों ओर चार चांद लगाने की कोशिश की। इनके कार्यकाल में ये अपने बहुत बड़ा एक कैंप का आयोजन हुआ था जो अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में था, नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर, जो कि मेरे हिसाब से राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में पहला प्रोग्राम हुआ था। खिरणी व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखता है। यहां आसपास के 20 गांव का मार्केट लगता है। हालांकि दूसरे कस्बे मुख्य रोड पर आ जाने से अब खिरणी का व्यापार घट गया है, लेकिन फिर भी यहां पर छोटे मोटे दुकानदार ईमानदारी से अपना व्यापार करते हैं। जैविक और नवाचार वाली खेती भी खिरणी में होती है। यहाँ के कुछ इलाके में नहर का पानी आता है। खिरणी के कुछ हुनरमंद लोगों की बनाई हुई चीजें देश और दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखती है, जिनमें मिठाई और जैविक सब्जी प्रमुख है। खिरणी में सबसे बड़ा रकबा है यह 52,000 बीघा का रकबा है, दो पटवारी बैठते हैं, फसल पूरी होती है लेकिन पानी की कमी है। 75% माल में पानी नहीं है, 25% ही सिंचाई की ज़मीन है, बाकी 75% सिंचाई की ज़मीन नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं और हमारे जो यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री जी महोदय हैं उनसे एक विधायक हमारी गुजारिश है कि भाई यहाँ जो इसरदा डैम बना अभी काम चल रहा है उसका अगर हमारे डील बांध में अगर पानी डाइवर्ट करके और इसको कर दे तो हमारा माल पूरा सिंचित हो सकता है। खिरणी के लोगों का व्यापार पूरे विश्व में है। आसपास के इलाके में विदेशी मुद्रा की आय का सबसे बड़ा भाग खिरणी में ही आता है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग विदेशों में व्यापार करते हैं। खिरणी में दानवीरता का भी अपना एक विशेष महत्व है। सवाई माधोपुर नहीं बल्कि देश प्रदेश में होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में खिरणी के दानवीरों का बड़ा योगदान रहता है। खिरणी की एक मिसाल है, आज से सन 47 से लेकर के अब तक हमारे यहाँ पर कभी भी विवाद नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के चारे से रहते हैं। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश हूँ कि सर्व समाज के लोग यहाँ के विदेशों में भी रह रहे हैं, दुबई भी रह रहे हैं और अच्छी से अच्छी जगह पे पोस्टेड हैं यहाँ पे। यहाँ के सीताराम पोसवाल ने महामंडलेश्वर भजनानंद गिरी का लक्खी भंडारा किया है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। 8 के दिन मेधपुरा में बिंदोरी निकलती है, खिरणी में से हमको फिर 9 के दिन निकलती है, पूरा गांव में घूमते हैं, हजारों आदमी साथ में रहते हैं, गाजा बाजा के साथ पूरी बस्ती साथ रहती है। खिरणी की सामाजिक समरसता, शैक्षणिक विकास और नवाचारों की श्रृंखला में यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक के गाँव के डिजिटलाइजेशन, कुशल प्रबंधन और स्टाफिंग समन्वय में उल्लेखनीय योगदान है। खिरणी को मेडिकल और इंजीनियरिंग की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। गांव वैसे शिक्षा की और सभी का वो है, सभी जातियों का सभी पढ़ाते हैं, बालक बालिकाओं का ज़्यादा है, जैसे बालिकाएं ज़्यादा हमारे विद्यालय में, तो विशेष रूप से बालिकाओं का है, बालिका शिक्षा अच्छी उस पर चल रही है। खिरणी के इस गौरवमय सफर को लगातार आगे बढ़ाने में यहाँ के युवाओं का बड़ा योगदान है और इन युवाओं ने ही प्रेरित होकर शिक्षा और संस्कृति के इस कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हम अपनी मातृभूमि गांव को कम से कम ऐसा बनाएंगे ताकि लोग इसको याद करें। हम लोगों को पढ़ा लिखा होने का अगर कोई बात बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए काम करने की। आइए आप और हम सब मिलकर सामाजिक बदलाव और सकारात्मक विकास के इस कारवां को आगे बढ़ाएं। कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं तो बात बने। हम सब मिलकर नेक राह पर चलें तो बहुत अच्छी बात बने। जय खिरणी, जय माँ चामुंडा, जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान।